जय माता की भक्तों, सुबह के 2 बजे हुए हैं और मैं साधना करने जा रहा हूं। यही वो समय होता है जब एक योगी जागता है और दुनिया सो रही होती है। तो सबसे पहले नहा धोकर मातेश्वरी को वंदन, क्योंकि यही तो है, इनके सिवा और कौन। प्रसन्न कीजिए मातेश्वरी को किसी भी तरह से। नित्य प्रतिदिन मातेश्वरी को याद कीजिए, जो जगह है किसी भी तरह से बस, क्योंकि एक यही है जो आखिर तक आपके साथ रहेंगी और कोई भी नहीं, न आपके घर वाले, न कोई दोस्त, और न ही कोई सगा संबंधी। ये तो वो शक्ति है जो मरने के बाद भी आपके साथ रहेगी। ये देखिए मातेश्वरी का घर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे श्री यंत्र की साधना की जाती है, कैसे इस पर ध्यान लगाया जाता है। जहां पर आप सोते हो उस बेड से 1-1.5 मीटर की दूरी पर आप ये स्थापित कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि यहां पर दिशाएं देखिएगा आप, जहां पर लिखा हो पूर्व, जहां पूर्व लिखा हो ये आपको पूर्व दिशा की तरफ इसका मुंह रखना है और आराम से लगा दीजिए इसको अपनी दीवार पर। इसके बीच में आपको एक ये देखिए बिंदु दिखाई देगी बिल्कुल सेंटर में, जी ये वाली वाइट जो है। रात के 3 बजे, 5 बजे या फिर पूरी रात ध्यान लगाइए इसमें। टकटकी लगाए देखते रहिए इसे। कहते हैं कि श्रीयंत्र को देखने मात्र से अपार लक्ष्मी मिलती है, और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। लक्ष्मी का मोह तो मुझे नहीं, किंतु और भी बहुत सारी चीजें जो कि लक्ष्मी का स्वरूप ही समझे उनको, जैसे धैर्य और किसी चीज का डर ना लगना, एक शांति सी जो है वातावरण में हो। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां एक अलौकिक शक्ति आपके साथ चलेगी इस साधना को करने के बाद। और ये इतनी सरल और इतनी क्या बताऊं मैं, इतनी आसान है कि कोई भी कर ले, बच्चा भी अगर चाहे इच्छा बना ले तो कर सकता है। और इस साधना से मातेश्वरी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती, क्योंकि ये तो मातेश्वरी का घर है। तो यूं समझ लीजिए कि मातेश्वरी यहीं रहती हैं। बस ध्यान लगाइए इस बिंदु पर, और जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो, सारी जो है यूं समझिए कि जैसे सूरज जैसे चढ़ता है तो रात का अंधकार पता नहीं कहाँ चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप इस साधना को करना शुरू करते हो, श्री यंत्र पर अपना ध्यान लगाना शुरू करते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, परेशानियां ही नहीं जो टिक सके इसके सामने। जिस तरह आग और पानी का मेल नहीं होता, उसी तरह जो कर रहा हो श्रीयंत्र की पूजा उसके सामने कोई परेशानी मतलब दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होती कि कोई आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बिंदु पर ध्यान लगाइए। अगर आपको श्रीयंत्र ना मिल रहा हो ऐसा, तो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो,
और यहाँ पर जो है आप एक मंत्र भी यूज कर सकते हो, नमः कमल वासनी स्वाहा, या फिर उस जैसे मातेश्वरी के बहुत सारे नाम हैं, तो जिस रूप में आप देखना चाहते हो, जिस रूप में आप वंदना करना चाहते हो, उस रूप को, उस रूप का आह्वान कीजिए, तो वैसा ही रूप स्वरूप आपको मिलेगा, क्योंकि मातेश्वरी है, ये जो प्रकृति है ये सारा कुछ यही है। ध्यान लगाइए उस बिंदु पर, भूल जाइए संसार को, और ध्यान रहे कि ये आप प्रातःकाल 2 से 6 के बीच में करें, क्योंकि यही वो समय है जब सब सो रहे होते हैं और आप जैसे योगी, आप जैसे विद्वान योग कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, रिझा रहे होते हैं मातेश्वरी को कि मातेश्वरी प्रसन्न हो जाओ। देखिए मैं आज आपको मातेश्वरी के घर तक ले आया हूं, अब उन्हें प्रसन्न करना ये तो आप पर है, आप कितनी जल्दी, कितनी मतलब तपस्या दिखाते हो कि मातेश्वरी आप पर प्रसन्न हो जाए। बस आपको करना इतना है कि ये जो बीच में आपको बिंदु दिख रही है इस पर ध्यान लगाना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या फिर आधा घंटा, या फिर आप 10 मिनट में लगाओ रोज सुबह उठकर, आपको 10 मिनट भी अगर आप इसे देखते हो तो लाभ आपको जरूर मिलेंगे। बिजनेस रुका पड़ा है, या कई लोगों के साथ होता है कि अचानक से कोई परेशानी आ जाए, तो उसके लिए भी ये काफी लाभकार है। और इसकी जो बेनिफिट्स वो मैं क्या बताऊं, मोस्टली तो जैसे होता है ना कि कोई भी परेशानी हो उसको दूर करने के लिए यही यूज होती हैं चीजें, और जहां तक मैंने देखा है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे उनको जो मैंने बताया है कि श्री यंत्र की साधना कीजिए तो आपका व्यापार बढ़ेगा और जितनी भी परेशानियां सारी दूर होंगी, तो ये उन सारी कसौटियों पर खरा उतरा है। नमः कमल वासनी स्वाहा, चारों दिशाओं में देखिए मातेश्वरी व्याप्त हैं, आपको सिर्फ इस सफेद बिंदु पर ध्यान लगाना है, केंद्रित कीजिए वहां पर ध्यान, और थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि ये जो चक्र हैं ये घूम रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले ये जो डायग्राम है बन चुका था, और बिल्कुल ऐसा जैसा आप अभी देख रहे हैं, बिना किसी मशीन के, बिना किसी कंप्यूटर के, कैसे बना होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन सोचिए। और अगर आप इसको टोनोस के ऊपर देखें, तो जब ओम की ध्वनि आती है तो श्रीयंत्र की जो है ये तस्वीर सामने उभर कर आती है, ओम बोल रहे हो आप तो श्रीयंत्र जो है वो बन रहा है आपकी ध्वनि से। ध्यान लगाइए यहां पर और अपनी जितनी भी परेशानी है सबको दूर कर दीजिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो इससे ठीक ना हो, बस मातेश्वरी पर विश्वास रखिए, ऐसा अडिग विश्वास जो कि किसी से हिले ही ना, और ध्यान लगाइए यहां पर। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मातेश्वरी के आगे टिक सके। 21 दिन तक इसको कीजिए और कैसे कैसे आपको अनुभव हुए, कैसे कैसी चीजें आपके सामने आई, और आपकी परेशानियां कैसे पल भर में दूर हुई, ये सब मुझे बताना ना भूलिएगा। अगर कोई सहायता चाहिए या फिर कुछ समझ में ना रहा हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 जी, और अब मुझे साधना करनी होगी, टाइम हो गया है 2:16। नमः कमल वासनी स्वाहा, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमस्ते महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इसके बाद आप कुछ भी कह सकते हो, या फिर ये तो मेरी पूजा पद्धति, आप कैसे भी इसका जो है ध्यान लगा सकते हो।
जय माता की।